जिन दिनों पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी तो वहां साउथहैम्पटन टेस्ट में इंग्लैंड का खिलाड़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। ओली पॉप की बात मैं कर रहा हूं, जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन काफी मैचों में, टेस्ट मैचों में वो बतौर बल्लेबाज खेले हैं, बटलर की मौजूदगी में, बेस्टो की मौजूदगी में। तो ऐसी स्थिति में इस खिलाड़ी को 4 महीने के आराम की सलाह दी गई थी और अब वो खबर यह है कि वो खिलाड़ी अब पूरी तरह से फिट हो गया है। और इंग्लैंड ने जब अपनी टीम की घोषणा की थी तब उन पर एक विचारार्थ, एक सवालिया निशान लगा हुआ था, लेकिन अब उस सवालिया निशान को हटा दिया गया है। और जो 5 फरवरी से जो पहला टेस्ट मैच आयोजित किया जाने वाला है चेन्नई में, उसके लिए उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। अब वो टीम में शामिल है। मैं आपको याद दिला दूं, ओली पॉप, शायद आपको मैं याद दिलाऊं कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जब उनको भारतीय टीम के खिलाफ, जब भारतीय टीम गई थी इंग्लैंड के दौरे पर, तब उनको 2 टेस्ट मैचों में खिलाया गया था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने उनकी एक नहीं चलने दी थी, वो चल नहीं पाए थे, लेकिन सरे के लिए खेलते हैं, सरे काउंटी से, और उनका 70+ का एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और यॉर्कशायर के खिलाफ जो उन्होंने 158 रन की पारी खेली थी वो बहुत ही लाजवाब थी। और इसके अलावा भी उन्होंने न्यूजीलैंड के दौरे पर गए तो वहां पर उन्होंने हैमिल्टन टेस्ट में सेंचुरी बनाई। ये वो टेस्ट था जिसमें बेन स्टोक्स भी चमके थे, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई थी, और दोनों की सेंचुरी की बदौलत और एक बहुत अच्छी भागीदारी की बदौलत ये मैच इंग्लैंड पारी से जीतने में कामयाब हुआ था, यानी इनिंग डिफीट से झेलनी पड़ी थी उनके अपोनेंट टीम को। और इतना ही नहीं, वो साउथ अफ्रीका का ये तो पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट था, और इसके अलावा न्यूजीलैंड में जब वो गए तो वहां भी उन्होंने, उनका बल्ला खूब चला। तो ऐसी स्थिति में बतौर बल्लेबाज यदि वो टीम में खेलते हैं तो नंबर 6 की जो एक समस्या है इंग्लैंड के लिए, उसका वो काफी हद तक समाधान कर सकते हैं। ओली पॉप के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये क्या कितने बड़े तुर्रम खान साबित होंगे भारतीय टीम के खिलाफ, क्योंकि पिछली बार तो इनकी बिल्कुल नहीं चली थी भारतीय गेंदबाजों के सामने, इस बार वो कुछ कमाल कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे ये बात तय है कि इंग्लैंड की उम्मीदें उन पर बहुत ज्यादा टिकी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।